तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल। उम्मीद करता हूँ कि AG क्लासेस में उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन था सर मैथ्स के लिए कैसे करें और मैथ्स के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह के इसे पढ़ें कि मैथ्स में अच्छा स्कोर होने पाए। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैथ्स इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो आप मान के चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। इस बार का कट ऑफ लगभग कितना, 14 नंबर है, 35% के आसपास इस बार कट ऑफ रखा गया है, पिछली बार तो 20% यानी 50% था। अब देखो इसमें मैं बता दूं आपको, इन 40 क्वेश्चन में यदि मैं इसको एडमायर करूं, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं ना उनके लिए 20 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ईजी है, आराम से कर ले जाएंगे। जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं वो 20 से 25 के बीच में कर ले जाएंगे यदि उनकी प्रैक्टिस है। फिर मैं बोल रहा हूँ दोनों दोनों चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, आपने कितना प्रैक्टिस किया है, चाहे आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो। कभी कभी होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो साइंस और आर्ट्स का कोई मैटर नहीं है, रीज़न क्या है, साफ सीधी सी बात है, यहाँ पर ट्रिक्स से क्वेश्चन होता है, आप लेंदी मेथड का इस्तेमाल नहीं करते हो, करोगे तो कभी पेपर हल ही नहीं होगा, हल होगा वहाँ समय बहुत लगेगा, ठीक है। तो यदि साइंस का है तो वो शायद थोड़ी अच्छी, क्योंकि उसका टेबल एबल दुनियादारी कैलकुलेशन उसकी अच्छी होती है, आर्ट्स वाले आराम से 20 कर सकते हैं, ठीक है, ये मान के चलिए 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने हर सेट में ढूंढा है, तो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के हो गया, परसेंटेज का सिंपल सवाल हो गया, प्रॉफिट लॉस का सिंपल सवाल हो गया, DI से एक सिंपल सवाल हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ से 20 आप आराम से कर सकते हो। पर रीज़न क्या है, 20 से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कम से कम यहाँ पर 25 से 30 का टारगेट रखना ही पड़ेगा, 25 से 30 का टारगेट रखना पड़ेगा, 30 गुड होगा, गुड बोले तो बेस्ट बोले, मैं बेस्ट बोलूँगा, 30 बेस्ट होगा, 25 गुड होगा, ठीक है। तो यदि आप गुड और बेस्ट तक जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रोड मैप बनाना पड़ेगा, बिना रोड मैप के आप इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। रोड मैप कैसे तैयार करेंगे, आपको एक अच्छी बुक चूज़ करनी पड़ेगी, मैं बुक के रिकमेंडेशन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लगभग 3 बुकों के आसपास है जिनको मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ। क्यों बोलता हूँ, उसका साफ साफ बहुत बड़ा रीज़न भी है कि मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसके लेवल के, उस लेवल के कोई बुक नहीं, उसमें क्वेश्चन के नंबर्स भी ज़्यादा हैं, प्लस ट्रिक से सॉल्व किया है, प्लस बहुत जल्दी सॉल्व किया है। बाकी आप चाहे RS अग्रवाल ले लीजिए, HD यादव ले लीजिए, महेश मिश्र ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, वहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो लेंदी है, और यदि लेंदी कैलकुलेशन ही करना तो आप तो बचपन से ही वो चीज़ पढ़ गया, तो फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। इसलिए क्वेश्चन को जल्दी हल करना उसके लिए बेस्ट बुक होनी चाहिए, जो आप यदि किसी टीचर से नहीं भी पढ़ेंगे यदि उस बुक को पढ़ेंगे तो आराम से वो कर लेंगे। रीज़न क्या है, मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है, और मैंने ऐसे किया और ऐसे करके मैंने CGL दिया भी है, क्योंकि मैंने किसी से कोचिंग नहीं ली, बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मैंने पढ़ा हुआ है और अपने आप से पूरी मैथ्स तैयार की है। साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ पर मुझे बहुत तकलीफ रही है, रीज़न क्या है कि स्पीड, सब चीज़ें स्पीड पर, चलो समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैथ्स की बुक पर चलते हैं। देखो दो बुक मैं रिकमेंडेशन करूँगा, सबसे पहली बुक ये होती है जो राखी साधु की है। एक बच्चा कह रहा था सर हमने लगभग बहुत पढ़ा, हाँ भाई इसको मैंने बहुत पढ़ा, लगभग इसको मैं झूठ उठ नहीं बोलूँगा, लिटरली मैंने इसे 10 से 15 बार इसको लगाई है, प्रेजेंटली एक एक क्वेश्चन लगाया मैंने, तभी मैथ अच्छा होता है, तभी सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और तरीका भी यही होता है, मैं बताऊंगा कैसे। ये बुक है, इस बुक को आप पढ़ेंगे तो इस बुक को यदि एक बार आपने अच्छे से लगा लिया, रीज़न क्या है, इस बुक की क्वालिटी मैं बताता हूँ क्या हूँ, यदि आप परसेंटेज करेंगे ना तो परसेंटेज का पहला टाइप जब करेंगे तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो जैसे आप पहला टाइप करेंगे तो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, चौथा तो आएगा, और फिर जब जैसे आपको चौथा समझ में आएगा बाकी जितने 44-46 क्वेश्चन वो अपने आप हो जाते हैं, बस आप देखते ही जाओगे वो होते जाएंगे। ये इस बुक की क्या खासियत है, इस बुक को ऐसे असेंबल किया गया है कि क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 बढ़ता है, समझ रहे, धीरे 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 बढ़ता है, ये नहीं इकट्ठा एक क्वेश्चन ये है दूसरा क्वेश्चन बहुत हाई डाल दिया, नहीं, बस इस बुक को मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस बुक ने मुझे बहुत हेल्प की है, जबकि मैंने किसी से कोचिंग नहीं ली है और इसी बुक से मैंने पढ़ा और सारी ट्रिकों को बहुत आसानी से किया और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में मेरी हो गई। और जब इस बुक को आप लगा लें, सही बता रहा हूँ, जब इस और बुक को करेंगे कैसे, तैयारी कहाँ से शुरू करेंगे, देखो ये क्या है, बुक के वो दिए हैं तो आप इसी हिसाब से चलेंगे, तो परसेंटेज पहले करना है, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, फिर सिंप्लीफिकेशन, फिर कंपाउंड
और फिर मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। तो शुरुआत आप परसेंटेज से ही करिएगा, यदि मैथ्स में यदि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो परसेंटेज से करिएगा। जैसे परसेंटेज करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को उठा करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लगा देना है, उसी कॉन्सेप्ट को उठाकर डिस्काउंट में लगा देना, और उसी कॉन्सेप्ट परसेंटेज के कॉन्सेप्ट यदि आप चाहेंगे तो आप सी आई कर सकते हैं, और यदि उसी कॉन्सेप्ट को यदि आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड है तो आप उसी कॉन्सेप्ट को टाइम एंड वर्क में भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ वो कॉन्सेप्ट आपको लगाने और कैसे अप्लाई करना। इस बुक को जब लगा लेंगे तो बहुत बच्चे कहते हैं सर ये बुक थोड़ी अच्छी है पर सरल भी है। ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल लेवल के 300-300 क्वेश्चन दिए एक एक चैप्टर में, पर आपका इस बुक से दिल ना भरे और आपने ये बुक लगा ली, एक दो बार लगा लिए, बाकी यदि कोई बच्चा अभी शुरुआत कर रहा प्रेजेंट टाइम, तो मैं कहूँगा किसी एक बुक को ही पकड़ो और इस बुक को पकड़ लो, 4-5-10 बार लगा लो, आराम से मैथ्स में अच्छा स्कोर हो जाएगा। अच्छा मतलब गुड से बेस्ट तक तुम आराम से पहुंच जाओगे। और जो लोग बेस्ट से ऊपर जाना चाहते हैं यानी 30+ 30 से 35 के बीच में आना चाहते हैं, तो मैं एक बुक और रिकमेंड कर दूंगा, वो है ये वाली बुक। ये है महेश मिश्रा की बुक। इस बुक की क्वालिटी मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन का लेवल एक अलग लेवल पे, सीजीएल मेंस को क्वेश्चन इसमें दिए होंगे, पीओ लेवल के पीओ के इसमें दिया होंगे क्वेश्चन, इसमें बैंक क्वेश्चन दिए होंगे, नहीं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, मल्टी डायमेंशन के क्वेश्चन इन्होंने कवर किए हैं और बहुत अच्छा अच्छा लेवल क्वेश्चन का कवर किया है। पर दिक्कत क्या है इस बुक में, इस बुक में दिक्कत है इसका सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा टफ दिया है, एक्स मान के सोल्यूशन किए हैं जो आपके भेजे में नहीं पड़ेगा। पर यदि आपने राकेश यादव लगा ली फिर उसके बाद ये बुक आपके लिए बहुत हद तक सरल हो जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे, फिर उसके बाद इस बुक का हर एक क्वेश्चन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें जो आपको दर्द देंगे, और इतना दर्द देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप दर्द लेना चाहते हो तो इस बुक को जरूर लगाइएगा, पर देखो यार रिक्स है तो इक्स है, ठीक है, इक्स है तो रिक्स है, ऐसे कुछ होता ना, तो जितना दर्द लोगे ना उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, रिक्स लो, लगाओ क्वेश्चनों को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यदि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो दो बुकें लगाओ और तुम्हारे पास समय कम है, ठीक है। यदि अभी शुरू करो, यदि आपने कोई बुक लगा रखी है तो मैं एक बार जरूर कहूँगा इस बुक को जरूर लगाना, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन का जो करने का तरीका वो बहुत सिंपल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। पर फिर वही बात, परसेंटेज लगाना, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट शेड्यूल यही रखना। यदि तुम टाइम एंड वर्क कर रहे हो, यदि तुम टाइम एंड वर्क करो तो फिर टाइम एंड वर्क के बाद पाइपिंग स्टन करोगे, फिर उसके बाद तुम एलिगेशन करोगे, और फिर इसके बाद नहीं एलिगेशन भी कर सकते, एलिगेशन ना करो पार्टनरशिप इसके साथ, तो ये एक तीन जोड़ा बना लेना। फिर जब तुम एवरेज करोगे ना, एवरेज के साथ तुम एलिगेशन ले लेना, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ पर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI और SI, यहाँ पर 5 चैप्टर का एक जुम्म बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आना, ये नहीं मतलब एक बार तुम परसेंटेज पढ़ो फिर दूसरी बार तुम एवरेज पढ़ो फिर तीसरी बार तुम टाइम एंड वर्क, पगला जाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। बाकी टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी आपको पढ़ना है चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, मैंने कवर कर रखा है, और आपको बहुत अच्छे से बहुत सिंपल वे में मैंने इसी को क्वेश्चन करवाए हैं, आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है ये दोनों बुकें आपके काम की होंगी। कोई डाउट आपको लग रहा है, कोई मन में संशय लग रहा है कि सर कोई प्रश्न है, मैंने लगभग कवर कर लिया है, बाकी कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप कह सकते हैं, उसका भी निवारण करने का मैं बिल्कुल 100% ट्राई करूँगा, और आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम इन दो बुकों से लगभग 100% हल हो जाएगी, आप यहाँ पर आराम से पहुँच जाएंगे। इसके बाद यदि आप जाना चाहेंगे तो महेश मिश्रा तक आप जा सकते हैं, ठीक है। और यदि इससे भी एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आती है राकेश यादव की क्लास नोट, या फिर आप पढ़ सकते हैं अभिनय शर्मा की जो मैथ्स की बुक है उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, मगर वो सीजल मेंस के लेवल की है तो वो आपके कोई मतलब की रहेगी नहीं। इन दोनों से ही आपका पुलिस का एग्ज़ाम, UPSI का एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा, या फिर SSC का भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, LDC दे रहे हैं, MTS दे रहे हैं, या फिर जेल बॉर्डर दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं आराम से इससे क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत होकर करिए। ये एक रामबाण है, नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन को आराम से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। बुक हर जगह मिल जाती है, परचेज कर लीजिएगा, और बाकी फिर मैं कहूँगा कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा तो जरूर बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और हो सके किसी जरूरतमंद बंदे के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।